अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। देवानंद इधर आओ। ये क्या है? कॉफी का पौधा। और उसके नीचे? जमीन। जैसे ये पौधा जमीन से जुड़ा है ना, वैसे ही ये कोड़वा अपनी भूमि से। भूमि कूर्ग के लोगों के लिए माँ है, मारी पहचान है। ये सब मेरा है? तेरा बाप का है, उसके बाद तेरा। इस भूमि के हम सेवा और पूजा करेंगे, देखभाल करेंगे, तब जाके ये फल देगी। तुम जल्दी बड़ा हो जाओ, तब समझोगे। तू बड़ा हो ही मत, ऐसे ही छोटू रहना। क्यों? इधर आ, इस छोटे से कॉफी के पौधे को देख। इसे हम पालेंगे, कीड़ों से, कड़ी धूप से बचाएंगे, फिर ये धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर इसमें एक दिन फूल खिलेगा, उसको ब्लूम कहते हैं। और उस फूल का रंग डिसाइड करता है कि ये पौधा कॉफी देने लायक है या नहीं। अगर रंग गुलाबी निकला, कॉफी नहीं आएगी, सारी मेहनत बेकार। तो बड़ा होने में बड़ा कष्ट है। अच्छा नहीं लग रहा है। सही तो है। अच्छा हम देव से पूछे, देव ये घर का नाम क्या रखते हैं? तामाने, तामाने। अच्छा? नंचान मरी। देव, कुएं के पास साइकिल मत चलाना, गिर जाओगे अंदर। इस बार मैं नहीं निकालूंगी। Ah, ah!
गेट डैमेज कर दिया। क्रैश्ड अनदर ब्लडी ट्री दिस टाइम। ये बिरजू बहुत स्ट्रे करने लगा है, कुछ करना पड़ेगा। लीवर खराब है। दारू कम पियो सर। ए बूबे, इसका लीवर खराब है। ये लो, तेल पिलाओ इसे। यहाँ क्या खड़े हो, वहां जाकर देखो अगर फेंसिंग ठीक है कि नहीं। ए, यार तू, मैं हेल्प यू सर। वेलकम, होम स्टे ढूंढ रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मैं बैंगलोर से आया हूँ। वो कॉफी किसोर, आपका ट्रेडर कौन है? है नहीं, अभी तो हमारा पहला ब्लूम होगा। खुद का चेन खोलने की सोच रहा हूँ, रिटेलर्स को बेचने का भी सोचा नहीं है। आप कब से रिटेलिंग में? बाय द वे, करंट मार्केट प्राइसेस क्या है? यू नो, हमारे पास अभी इरिगेशन के पैसे नहीं है। सारा पैसा, सारा इन्वेस्टमेंट हमने प्रोसेसिंग मशीनरी में डाल रखा है। प्रोसेसिंग मशीनरी, यह बात बताओ, इंस्टेंट कॉफी से आपके बिजनेस में कभी फर्क पड़ा है? सर, मैं फिर कभी मिलता हूँ। बिजनेस में इंटरेस्ट हो तो बात करते हैं। मैं बाद में आता हूँ। ओके, आपका नाम? देव। आनंद। कैसे? फैमिली मैटर है। तुम यहाँ रहते हो? नहीं, मैं बैंगलोर से यहाँ कुछ एस्टेट से कॉफी सोर्स करने आया हूँ। ओके, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं चलता हूँ। देव, जस्ट कम टू द एस्टेट एंड हैव अ कप ऑफ कॉफी। यू लिव हियर? अच्छा, मुझे लगा तुम टूरिस्ट हो। नो, मी एंड माय हस्बैंड। माय हस्बैंड एंड आई हैव एन एस्टेट, और 5 साल पहले खरीदा था एक्चुअली। और ओके, मैं फिर कभी। मैं तकदीर एक धागा है, किसके धागे की किससे कब गांठ बंध जाए कोई नहीं जानता। दिस थ्रेड इज किक्ड अराउंड इन द फील्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम। द ग्रेट सांसारिक डिस्को इज बीइंग प्लेड नाउ एंड नाउ। स्नान के बिना पूजा अच्छी बात नहीं है। अंदर से आपसे ज्यादा साफ हूं। काउंटर खोलना है। बोलिए ना। द्वेष क्यों होता है? इच्छा और द्वेष के द्वंद्व में, फल की इच्छा में। कितना? 2 किलो प्लीज। जब वस्तुओं की चाहत तुम्हें घेर लेती है तो आकर्षण। कूर का टिकट बुक किया? नहीं। मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। बैंक ने नोटिस भेजा है, हम 2 इंस्टॉलमेंट्स पीछे हो गए।
स्टोर जाएगी तो पता है फिर एक दिन तुम भी जाओगी। ये स्टोर इसीलिए लिया था ताकि मेरे लिए कुछ छोड़ के जाओ, है ना? क्या वो एस्टेट मैंने क्यों बेचा? उस पैसे से घर चलेगा, इंस्टॉलमेंट भर पाएंगे, पर नहीं, यू डोंट वांट टच दैट मनी। स्टोर और वो एस्टेट क्या मिलेगा ये सब रखकर? वो हमारी फैमिली प्रॉपर्टी थी। वो पता है हमारे एंसेस्टर्स और अप्पा और दादा और सबकी राखी उधर बिखरी हुई है। कुर्जी के लिए जमीन सब कुछ होता है, मुझे कुछ कदर नहीं है, है ना? You think you own something, but it actually owns you. ठीक है, मुझे ये क्लैरिटी है, तुम कब समझोगी? सही बात है, तुम्हारी इस क्लैरिटी ने मेरी राख पकड़ने की जगह ही नहीं छोड़ी, क्योंकि तुम मेरे राख बिखरने लायक हो भी नहीं। कल रात को डिनर पे क्यों नहीं आए? सब आए थे, अच्छा खासा चेंज हो जाता। चेंज किसको चाहिए? शाम को दिल्ली जा रहा हूँ टू कंडक्ट इंटरव्यूज। अबे कुछ काम कर, दुकान पे बैठ, अम्मा इज नॉट वेल। हाँ ठीक है, और कुछ? हाँ एक और बात, एक जॉब ओपनिंग है एचआर में, तू बोले तो घुसा सकता हूँ। घुसना किसको है? थैंक यू, दरवाजा बंद कर दो। अच्छा सो गो कूर्ग ना, व्हाई यू नॉट गो? अम्मा का पता है, मुझे बिजी रखना चाहती हैं बस। पुनाचा अंकल क्यों कोई छोटे मोटे रिटेलर के लिए सप्लाई करेंगे, कोई फायदा नहीं है उनके लिए। तो यू नॉट गो, गो फॉर अम्मा ना। धोनी? हाँ अमर धोनी, वो बिजनेसमैन, उसका नाम धोनी है? दूर, हिज नेम रोहित। धोनी क्या है? कीपर ना, आई हिज कीप। डार्क ह्यूमर, वेरी गुड। माने तुम एक अच्छी लड़की हो, फिर तुम और वो यहाँ ऐसे कैसे? तुम क्यों पूछता है? तुम यहाँ से टेकआउट करेगा? यहाँ से टेकआउट करेगा? ये क्या होता है? तुम्हें तो पूछना चाहिए कि तुम बोलो ना, कैसे पूछना चाहिए? हटो हटो। अच्छा तुम इधर क्यों आता है? यू कम बट यू नेवर डू मी व्हाट धोनी डू। मैं सन्यासी हूँ, इसका मतलब कि ना मेरा दुनिया से कोई मतलब है, ना दुनिया का मेरे से, ठीक है? अच्छा इसीलिए शादी नहीं किया, इसीलिए काम नहीं करता और अम्मा से करवाता है, इसीलिए अम्मा का जमीन भी बेच दिया ना। जा रहा हूँ। अरे I don't dance your samsaric disco, okay? Disco babu, sanyasi never get angry. Shakti. क्या दुनिया में कुछ भी शोक करने लायक है? अगर है तो फिर कोई उपाय नहीं है, अगर है ही नहीं तो फिर हम शोक करते क्यों हैं? तू उसके लिए शोक कर रहा है जो शोक करने के लायक ही नहीं है। मौत? क्या मौत शोक करने के लायक नहीं है? नहीं, मौत भी नहीं, दुनिया के हर बंधन की तरह मौत मिथ्या है। अंतिम संस्कार किधर करेगा बाबू? कूर्ग में।
मामा ने काम दिया था कि पूना चांकल से मैंने तरका दिया अम्मा को, लड़ाई भी की। हेलो गणेश अन्ना, सिद्धनगर बिदंडा एस्टेट याद है? हाँ वो मैंने ही बेचा था। नहीं सिंह नहीं, देवानंद करियप्पा। नहीं ऐसे ही जानना था। अच्छा थैंक यू। किसी सिंह को बेचा था, सिंह ने किसी और को। अम्मा का राख बिखारने के बाद दुकान के लिए कॉफी वहीं से सोर्स करूंगा, बिदंडा से, हमारा जो एस्टेट था। माँ को मिस कर रहा हूं। मेरी अम्मा चीज़ पास्ट है। मेरा दुनिया से कोई लेना देना भी नहीं था, अब लेने के देने पड़ रहे हैं। मैं दुनिया का नाच नहीं नाच सकता हूँ, आई जस्ट कांट। तो तुम सन्यासी बनना चाहते हो? क्यों नहीं बन सकता? लड़की ने छोड़ा या कुछ और है? तुमने बोला तुम्हारी माँ गुजर गई, अगर वो जिंदा होती तुमसे क्या चाहती वो करो। सन्यास वन्यास बाद में ले लेना। बिलीव मी, हमने भी बचपन में बहुत इंजेक्शंस खाए, बट नो पेन नो गेन ना। पापा नोज बेस्ट, मेरा यकीन करो बच्चे। बस हो गया, दर्द हुआ नहीं ना? My sweet baby. इतना प्यार करेंगे तो बिगड़ जाएंगे। देवानंद करियप्पा, अनिका ने मुझे आपके बारे में बताया, आप दोनों कॉलेज के दोस्त हैं ना? हाय अगेन, श्रीनिवास पानीकर।
ओह सॉरी, मुझे लगा कुर्गी है, व्हेन आई सॉ यू विद द गन। सभी यही समझते हैं, मगर आप गलत भी नहीं है। मदर कुर्गी, फादर मल्लू, ग्रू अप इन दुबई, वर्क्ड इन ऑस्ट्रेलिया, मैं कहीं का नहीं हूं। मगर हाँ, एक बात है, कुर्गी होने के नाते मैं गन रख सकता हूं विदाउट लाइसेंस। सो अनिका टेल्स मी यू आर अ कॉफी एक्सपर्ट, कॉफी के बारे में सब कुछ जानते हैं, सॉइल, सीड, वेदर, वाटर, कल्टिवेशन, सब कुछ जानता हूं। तो मेरा प्लांटेशन इंस्पेक्ट कर दो भाई। Give me some tips, expert. Hey, look, come on. Let me be upfront, yeah? तुम कॉफी सोर्स करना चाहते हो at a cheaper rate and I... देखा, did you just realize? कैसे मैं suddenly आपसे तुम पर आ गया? I hope you don't mind. तो मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हें पूरे साल के लिए कॉफी का सप्लाई दे सकता हूँ for free. उसके बाद we'll work out a discounted rate. मगर अभी के लिए मैं तुम्हें एक महीने की सैलरी दूंगा अगर तुम मेरी मदद कर दो। प्लांटेशन का काम, वर्कर्स को सुपरवाइज करना, बस। ओके ओके, देव साहब, आई अंडरस्टैंड। मैं आप पर कुछ ज्यादा ही हावी हो रहा हूं, मैं ऐसा ही हूं। बट ये कॉफी ब्लूम जो है, इट्स जस्ट अ मंथ अवे। राइम देखा? मिस्टर पनिकर, मैं एक्चुअली दुकान छोड़ के आया हूँ, कोई देखने वाला नहीं है। फिकर करने की कोई बात नहीं, इतनी सी बात है, we'll work out another compensation. No, sir, I don't know if I can... Listen, Dev sir, we are on a coffee plantation. Coffee पीते हैं, talk over coffee, huh? Okay, look, मेरी रिक्वेस्ट है, तुम अपने दुकान पर किसी को भी एक महीने के लिए तो बिठाई सकते हो, प्लीज। देव साहब, मुश्किल है सर, नहीं मुश्किल है। लुक, आपकी यहाँ अकोमोडेशन, फूड, मैं सब संभाल लूंगा, आप सिर्फ सोचना पड़ेगा ना मुझे। हाय अनी, स्वीटहार्ट, थैंक गॉड यू आर हियर, प्लीज आओ आओ। तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारा ये फ्रेंड इतना स्टबर्न है। अब बेटा, तुम ही कोशिश करो और मुझे बचा लो। हाँ, अगर इमोशनल ब्लैकमेल यूज करना हो ना तो बेशक हिचकिचाना मत। ओके देव साहब, मैं जरा बैंक होकर आता हूँ, I'll be back in 30 minutes. आप कहीं जाइएगा मत, इसे जाने मत देना, प्लीज। कम से कम एक महीने के लिए तो नहीं। See you, देव साहब। Bye. Bye. I told him तुम नहीं करोगे। क्यों, उसे पता है? हाँ, कि हम कॉलेज में दोस्त थे। दोस्त? कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम मना कर दो। मैं ही क्यों? सुपरवाइजर ढूंढ रहा है जो कल्टीवेशन एक्सपर्ट भी हो, और तुम्हारा कॉफी प्लांटेशन था, सो आई टोल्ड हिम दैट। तेरा पति बहुत इरिटेटिंग है। थोड़ा एंथू है, बट बहुत अच्छा आदमी है। It was his dream कि उसका एक बड़ा सा कॉफी एस्टेट हो। हमारी सारी सेविंग्स, एक एक पैसा, सब डाल दिया इसमें। क्यों? कॉर्पोरेट लाइफ इज वेरी बोरिंग, तो वास का ड्रीम था। एंड वास का ड्रीम था, वाओ अनिका, आई एम सो थ्रिल्ड फॉर यू यार। मतलब एंड में तुम्हारे लिए तो सभी ठीक हो गया, नहीं? तो क्या करें? ये क्या है? पॉइजन। वो मैं 2 साल के लिए अमेरिका जाऊँ, तू पॉइजन भी लेगी? मैं भी पहले अमेरिका आ रही थी ना, फिर डैड के जॉब का हो गया, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। तू वहाँ पे होगा, मैं यहाँ पे। इट इज लॉन्ग डिस्टेंस थिंग, इट जस्ट नेवर वर्क्स, बट इट जस्ट नेवर वर्क्स। ओके, तो फिर ओके क्या करें? बिन शादी कर लेते।
What? शादी कर लेते हैं। Your dad and my dad ना freak out ना poison देंगे baby। You just show it to them। No no no। Let's get married। Calm down baby, calm down क्या? नहीं हम शादी करेंगे। और नहीं करेंगे तो poison देंगे। No baby just no। Forget this poison please। Baby no baby please baby please baby please। Okay sorry baby शादी कर लेंगे। Promise। कहाँ? हाँ okay। हेलो कैसा है बे डील फिक्स की अनेका यहाँ पर है क्या किधर अबे इधर है यहीं जहाँ पर जहाँ से डील फिक्स करना है वहाँ पे तो अब शी है ना हस्बैंड दोनों चाहते हैं कि मैं उनका कॉफी के क्रॉप के साथ हेल्प करूँ तभी डील फिक्स होगा यार सुन मैं बात कर लेता यार पर अब अनेका मेरे सामने है यार अबे सुन वहां से भागने की सोच रहा चप्पल से मारूंगा साले एक महीना ना कर कॉन्सेंट्रेट ऑन अम्मा और सुन बे बिहेव योरसेल्फ विद अनिका जब तक तू वहां पर है डील फिक्स कर वापस आ उसके बाद बैठ के दारू पियेंगे चल नहीं सुन एक मिनट एक मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। It's okay. मैं ये ऑफर लूंगा। देव, अरे वाह, क्या बात है? अब तक यही हो? लगता है अनिका का जादू चल गया। So, what's the decision? मैं करूंगा सर। That's fantastic. Thank you so much, Dev. अनी सीजी से कहो देव के लिए कमरा तैयार करे। We have a coffee bloom waiting for us. Sorry, एक सेकंड मिस अपनेकर। मैं वर्कर्स के साथ रहूंगा। देव, why would you want to do that? तुम अनिका के दोस्त हो, तुम वर्कर्स के साथ क्यों रहोगे? हाँ, अनी? You sure? I'm very sure, sir. और इस पर कोई बहस नहीं होगी। Okay, whatever turns you on, mate. डिस्को बाबू डिसअपीयर क्या तुम अभी तक कुर्ग में ही है ना सुनो मेरा थोड़ा हेल्प करोगी बोलो की करबो बाबू मुझे यहाँ एक महीना और रहना पड़ेगा फिर ब्लूम होगी फिर कॉफी का डील होगा मेरे आने तक दुकान संभालोगी प्लीज मेरे लिए ठीक है स्टोर गड़बड़ हो गई तो आई डोंट नो तातड़ी आ जाओ थैंक्स चंदा तो चलो तो So this is your room. अगर कुछ भी चाहिए तो बोल दो. ऐसे ही एक छोटा सा कमरा याद आया. कितने साल बाद ना फिर एक कमरे में आप और मैं एश्री हाई फाई वर्कर्स तुम्हारे लिए रखवाया थका हुआ हूं मैं सोना चाहता हूं I did a check.
तूने पापा को फोन किया था? शिट। What are you doing? Baby, baby, just trust me. We've got each other. We can do it. Let's do it. Read it back. No, Anis! Yes. No! No, let's do it. No! Let's do it! Tu bhi film mein bhi, tu bhi isko. Dev, Neel, tu bhi film mein bhi. Anika! Anika! आहा, गरम गरम कॉफी. यूनिवर्स ने चाहा तो एक महीने में वी विल बी हैविंग आवर ओन कॉफी. जस्ट द थॉट ऑफ दैट इज सो एक्साइटिंग. सो देव, तुमने प्लांट्स इंस्पेक्ट किए हैं. इन योर एक्सपर्ट ओपिनियन, विल वी बी वेकिंग अप इन अ मंथ्स टाइम एंड स्मेलिंग आवर ओन कॉफी? देखिए मिस्टर पानेकर, एक अच्छे क्रॉप के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका ब्लूम गुलाबी ना हो. अभी बहुत जल्दी है, कुछ कह नहीं सकते. जिन एरियाज को अटेंशन की जरूरत है मैंने वो नोट कर लिया है. वहाँ कुएं के नॉर्थ और ईस्ट वाले जो प्लांट्स हैं वहाँ की बुशिंग और प्रूनिंग ठीक से नहीं हुई है. वहाँ पर सनलाइट बहुत स्ट्रांग है, ह्यूमिडिटी भी कम है. वहाँ की जो सॉइल है ना वो सॉरी नो ऑफेंस, मैं तुम्हारे एक्सपर्ट ओपिनियन की कदर करता हूँ ऑल दैट, मगर ये सब बहुत टेक्निकल है मेरे लिए यार. मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार. मुझे सिर्फ इतना बताओ कि करना क्या है और वो तुम करो. मुझे तो ब्लूम चाहिए बस. शो मी योर मैजिक माय फ्रेंड, ना जादू दिखाओ. देखिए मिस्टर पानेकर, मैं ना बेस्ट कंडीशंस क्रिएट करने की कोशिश करूंगा. ये मैजिक वैजिक मुझे पता नहीं, मैं ढूंढता नहीं. तो मिलेगा नहीं, मैं ढूंढता हूं और जो ढूंढता है वही पाता है. फॉर्चुनेटली ये मेरे पौधे, सो इट्स माय बिलीफ दैट काउंट. मिस्टर पानेकर, आप ये यूनिवर्स के साइंस और इन सब में बिलीव करते हैं? एब्सोल्युटली. कर्मा देव, कर्मा. यूनिवर्स हमसे हर पल बातें करते रहता है. कई ऐसे हैं जो उनको सुनाई नहीं देता, लेकिन मेरी बात और है. When ill-fated winds blow my way, I can smell it a mile away and run the other way. Baby, if this poetry stuff of mine picks up, I'm going to have to sell off this plantation and just concentrate on that. Coffee. क्या कर रहे हो? हाँ? क्या कर रहे हो? सोच रहा हूँ. क्या सोच रहे हो? इस बार कुएं में कूदूं? अच्छा, तो तुम्हें ये स्टेट कैसे मिला? वास इज मैड अबाउट कॉफी. अपनी एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था. आई टोल्ड यू ना, उसका ड्रीम था. और तुम? उसका ड्रीम है, तुम कहाँ हो इसमें? तुम्हारा भी सेम है क्या? सॉरी, बोलो. हमारे एजेंट ने बताया था हमें इस प्रॉपर्टी के बारे में. कोई सिंह है जिसे हमने खरीदा. एंड वास जस्ट सॉ द प्लेस और उसने एक सेकंड में डिसाइड कर लिया. ऐसा लग रहा है जैसे जाकिर हुसैन ने तबला बजाना छोड़कर ना पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया. तुम एक आर्टिस्ट थी अनिका, और अब सिर्फ एक कुएं से पानी निकालती हुई एक औरत, जैसे अपनी किसी पेंटिंग में से निकली है. देव, तुम जाओ. क्यों? क्यों क्यों? मेरा यहाँ होना तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक है? वो जो छोटा सा एपिसोड तुमने अपने दिल के किसी कोने में बंद करके रखा था, अब वापस खुल गया तो तकलीफ हो रही है ना? क्या क्या तुम कर क्या रही हो यहाँ पर? हाँ, ब्यूटीफुल हाउसवाइफ आई यू, अपने पति के सपने पूरे करती हुई एक एक्सट्रीमली सपोर्टिव बीवी, खुद के सपने गए भाड़ में. हैं? सॉरी सॉरी, निकालो निकालो. और
गुड़सू अली 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 तुम अभी भी आर्टिस्ट हो? हाँ, पहले की तरह। मतलब अभी भी बकवास हो? एक कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, मुझे ले जाओगी तुम? मैंने कहा I'm sorry. मेरा रिएक्शन में कोई तोप नहीं था, सॉरी बैक। एक्चुअली मुझे नहाए भी एक हफ्ता हो गया था तो इट फेल नाइस। अजीब लग रहा है ना? थोड़ा। तो तुम श्रीनिवास मिले कैसे? मैं शादी करने का नहीं सोच रही थी, बट बॉस फैमिली बिकेम फैमिली फ्रेंड्स इन दुबई। मम एंड डैड पीछे पड़े हुए थे, शादी कर लो। बॉस टुक अ लाइकिंग टू मी, तो बस एक तरफ से मम एंड डैड, एक तरफ से बॉस। बहुत प्रेशर आ गया था। मैंने भी सोचा किसी की जिंदगी बर्बाद करनी है तो इसी की क्यों ना करूं। हाउ आर यू? एनी गर्लफ्रेंड्स? गर्लफ्रेंड्स मी? हॉस्पिटल में I woke up to a new reality. मुझे बताया गया कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेकर दुबई चले गए हैं। सब कुछ बदल गया था। लोग ऑकवर्ड थे मेरे इर्द गिर्द, दोस्त, रिश्तेदार, पेरेंट्स। रास्ते पे लोग घूरते मुझे। अम्मा अप्पा हुए ऑलवेज वेरी कूल विथ मी, दे स्टार्टेड कमिंग टू माई रूम 5 times a नाइट। कुछ चाहिए? गर्मी तो नहीं लग रही, फैन ऑन करूँ? पानी की बॉटल है? कुछ ना कुछ। आई न्यू वो बस ये देखने के लिए आ रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। बस फिर क्या, मैं ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज, लोगों से मिलना बंद कर दिया। 13 साल निकल गए। चल तेरा तो हैप्पी एंडिंग हुआ ना? मेरा दी एंड हो गया। कहानी हम कहाँ रोकते हैं उस पर डिपेंड करती है ना हैप्पी एंडिंग। यहाँ रोकते तो हैप्पी हो गया सर। बोल दो या चुप रहो, नजरों की है गुफ्तगू। बोल दो या चुप रहो, नजरों की है गुफ्तगू।
मुस्कुरा के करे जो गिला उस कल को आज मैं क्या नाम दूँ कर दे जो बया क्या ये वही बात है बिछड़े अरमानों की क्या ये मुलाकात है हो 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 What are you doing? Baby, drinks are on me. You bet they are. Oops. Baby, ये तुम क्या लेकर घूम रही हो? कोई ढंग का ड्रिंक पी लो ना. Hey Dave, हमारी मालकिन के लिए प्लीज एक ढंग का ड्रिंक बना दो यार. Vas, stop with this मालकिन business. Okay, hang on. Let's get to the bottom of this. इस घर का नाम क्या है? नाम क्या है यार? थामने. Correct. और हमने इस घर का नाम क्यों नहीं बदला? Because मैं बताता हूँ. हमने इस घर का नाम इसलिए नहीं बदला क्योंकि my sweet darling wife, Mrs. Anika Panikar. उसकी नाम बहुत अच्छा लगता है. It's another thing that she has no bloody clue what it means. By the way, what does it mean? What does it mean? माँ का घर. Really? किसकी माँ का घर? Well, anyway. पॉइंट इज कि ये घर इसके नाम पर है. जानते हो क्यों? नंबर वन, ये मेरे लिए लक्ष्मी है. हेलो लक्ष्मी. एंड नंबर टू, मैंने अपने नाम पर जो कुछ भी खरीदा है आज तक वो सब नंबर टू की तरह निकल गया. क्रैप, शब, बैड लक, कर्मा, कर्मा देव. मिस्टर देव, विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव टू पे द वाटर बिल. बेब, बेबी, गो. हाय हाय. गो. कैन आई जस्ट डू इट इन द बुशेस? नो, गो. My plantation. ये सब तेरा है? You know Vas, he believes in all these signs and omens. It's actually quite stupid. तो हाँ, I mean, ये सब मेरा ही है. तुम लोगों की प्रॉपर्टी है ना कूर्ग में? I remember you telling me. अभी भी वैसे है. बेचना पड़ा. हाय. हाय. थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा? हाँ, कम. स
So, what do you think? Overdone. Decor बहुत ज़्यादा है. Fall तो निकालना ही था ना तुम्हें. तुमने opinion मांगा मैंने दिया. हाँ मुझे पूछना नहीं चाहिए था. My bad. Yeah. कॉफी नहीं पीते तुम अब. अम्मा कैसी हैं? और प्रहलाद एंड द गैंग हाउ्स एवरीवन? प्रहलाद ठीक है. आईटी मैनेजर मैनेजर बन गया है. बाकी गैंग अपनी अपनी एडल्ट लाइफ में बिजी है. अम्मा गुजर गई. I'm so sorry, Dev. कैसे मतलब क्या हुआ उन्हें? बीमारियां थी उनका टाइम था चली गई. उनको ऐसे नहीं जाना चाहिए था. जैसे कैसे नहीं जाना चाहिए था? कुछ नहीं कुछ नहीं. मिस कर रहा हूं. सॉरी मैं तुम्हारी हमदर्दी का फायदा नहीं उठा रहा हूँ. आई नो सॉरी सॉरी. देव इट्स ओके. इट वाज जस्ट अ मोमेंट. अभी याद आया भाई. आई फेल फॉर यू क्योंकि मैं बहुत कूल हूँ. एंड आई एम नॉट अ ड्रामा क्वीन. नो नो इट्स द वे यू किस. देव डोंट लिसन लिसन प्लीज जस्ट डोंट से एनीथिंग. मैं बहुत सालों बाद खुश हूँ. जस्ट इनफैक्ट मुझे जाना चाहिए. देव लिसन नो डोंट नथिंग डोंट से एनीथिंग. पछतावा हो रहा है ना किसका? भाई पछतावा.
देखो देव, पता है ये 1997 नहीं है। मुझे पता है तुम शादीशुदा हो, तुम्हें अजीब भी लग रहा होगा, पर हर टाइम जब गलती से मुंह घुमाकर मेरी तरफ देख लो, क्या कोई ऑकवर्ड सी हाफ हार्टेड स्माइल देना जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं, नहीं मुझे कैसा लग रहा होगा? हाँ क्या तुम मॉरल सोच रही हो ना? 15 साल पहले तो तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मैं था ना, आज कहने के लिए श्रीनी है, फिर से मैं हो सकता हूँ आने का? मॉरल था फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता। क्यों क्यों, क्या तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं फील कर रही हो? अनिका लिसन, मेरे को अनिका, मुझे श्रीनिवास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे तुम और मैं ज्यादा अच्छे लगते हैं, हमें एक और मौका दो। अनिका, वी हैव अ हिस्ट्री एंड आई हैव अ प्रेजेंट। आई लव माय हस्बैंड, कहने के लिए नहीं कह रही हूं, सच है। और मैं, तुम्हारे साथ शुरू से शुरुआत नहीं कर सकती मैं, इट्स एग्जॉस्टिंग। तुम्हारी फिक्र है मुझे देव, बट यू एंड आई टुगेदर वी आर पॉइजन, लिटरली। वो किस तुम्हारे लिए क्या था? लेफ्ट ओवर रिएक्शन था उस टाइम का, जॉब नहीं है। आई एम सॉरी इफ यू फेल्ट कि कोई बिगिनिंग है, बट इट्स नॉट। बारिश होगी, ब्लूम आएगा, तुम यहां से देव गेट आउट। Forget what your true purpose is, to discover yourself. Everything that is dependent on others is the cause for misery. You take yourself for granted. The whole of existence hides inside you. You do not need approval from others. Own up to what is yours. Get up and fight. बाबू शौंदा। शौंदा बैंगलोर थे के। अरे पर तुम क्या फोन तो कर देती, दुकान पर कौन है? अरे बैंक लोग रोज आते हैं, तू मेरा फोन नहीं उठाता है। धोनी फैमिली कनाडा चला गया, प्रॉपर्टी बेचे और मुझको निकाल दिया, और तुम सीधा इधर आ गई। तो किधर जाऊंगी? अच्छा रुको रुको रुको, क्या रुको, नहीं तुम इधर रह सकती हो। सुनो सुनो, तुमसे कोई पूछे तुम कहना मेरी फ्रेंड हो, बैंगलोर से आई हो मुझे मिलने पास, ठीक है? ठीक है। नहीं अच्छा हुआ तुम आ गई, अच्छा है, अच्छा है, गुड। लायक नहीं बना अब तक, कितने दिन रखेगा? सेंड हर जल्दी, अम्मा को जाने दो। कितने दिन रहेगा इधर? बारिश हुआ है, अब एक हफ्ते ब्लूम का इंतजार है। 8वें दिन लायक हो जाऊंगा। कैसे?
बाबा देव को मिठाई देने जा रहा हूँ। Take an umbrella to dry yourself। आज तारीख क्या? 7। Today is the 7th, right? देखना, 15 तारीख को, at the plantation that is ours, there is going to be a coffee bloom, baby. अरे बाहर आओ, बारिश हो रही है, सेलिब्रेट कर। I'm sorry, तुम्हारी तो सेलिब्रेशन शुरू हो गई। I'm sorry, मुझे पता नहीं था कि तुम अकेले नहीं हो। नहीं नहीं श्रीनी, ये मेरी फ्रेंड शौंदा है, बैंगलोर से आई है मुझे मिलने। कुछ दिन आ रही, तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना? What problem, देव? प्लीज प्लीज आप बैठिए ना शौंदा, बैठिए प्लीज। आई एम श्रीनिवास पानिकर, इस प्लांटेशन का मालिक। हेलो हेलो, यूनिवर्स ने मेरा बड़ा साइन भेज दिया है। देखा मैंने। Now it's just a matter of time, just a matter of time. Talking about time, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो why don't you join us for some tea or coffee? सिर्फ हमारे प्लांटेशन का नहीं होगा। इसी बहाने तुम अनिका से भी मिल लोगी। In fact, अनिका ने बारिश के आने में celebratory कुछ बनाया है, खास recipe। मुझे बहुत डर लग रहा है। खाने से पहले मैं चाहता हूँ कि कोई तो हो वहाँ पर विटनेस जो ये बयां कर सके कि मैंने क्या खाया। देव आना जरूर, ओके? चंदा बाद में मिलता हूँ, ओके? मिठाई तो भूल ही गया था। तब तक आप दोनों अपना मुंह मीठा करते रहो। गुड वन श्री, गुड वन। प्लीज ईट समथिंग। वेरी गुड मैडम, थैंक यू। तो तुम देव को कैसे जानती हो? एक टेंपल लाइक थिंग था, देव आया था प्रवचन के लिए, मैं भी गई थी। हार्ट ब्रेथ प्रवचन था ना बाबू? आर्ट ऑफ ब्रीथिंग, आर्ट ऑफ ब्रीथिंग। वहीं पे दोस्त बने। तो तुम करती क्या हो? आई कीप। कीप व्हाट? आई कीप ऑफ धोनी, माने अभी नहीं, अभी जॉब ढूंढती हूँ। देव बाबू हेल्प कुछ है। लेट्स जस्ट हैव सम कॉफी। मैं डन। श्योर। ओके, तो ये तय हुआ कि जैसे ही ब्लूम होगा वी हैव अ सेलिब्रेशन, अ ग्रैंड सेलिब्रेशन, सुअरों की सामूहिक हत्या। इट्स अ ग्रेट आइडिया, आई विल जस्ट गो टू द किचन। ओके बेबी, वी विल ऑल पिग आउट। सर, आधा सर, क्या हुआ? पश्चिम के साइड पत्तियों पे ब्राउन ब्राउन धब्बे आए, लगता है बीमारी पकड़ लिया। सर चलिए देखते हैं, मैं तुम क्वार्टर्स जाओ, मैं आ रहा हूँ। दिखाओ, ये देखिए सर। हाँ नहीं, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो माइनर इन्फेक्शन है, बारिश के इमीडिएटली बाद ये होना कॉमन है, कॉफी रस बोलते हैं इसे। थोड़ा ब्रश करके प्रून कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। You sure, Dandy? I mean, like as in 100% sure. Yeah, of course. कुछ नहीं होगा। बाकी प्लांट्स पर तो असर नहीं पड़ेगा ना? I mean, as bloom पर तो असर नहीं पड़ेगा ना? नहीं 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 पड़ेगा। फिर भी मैं श्योर कर लेता हूँ, एक बार सब कुछ चेक कर लेता हूँ। रिलैक्स ही नहीं, फिक्र मत करो। ये दस रुपया ध्यान रखना, ऐसा कुछ और नजर आए तो देव सर, नहीं तो मुझे बताना जरूर। Don't worry, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें worried दिख रहा हूँ। Worried तो मैं हूँ। देव संभाल लेगा ना? शौंदा के बारे में नहीं बताया तुमने? बताना चाहिए था। देव, you're sure, right? फिकर करने की जरूरत है ब्लूम के बारे में? नहीं,
श्योर नहीं हो कि फिक्र ना करूं? देव तुम्हें नहीं पता आवाज के लिए ये ब्लूम क्या मायने रखता है। ओह बिलीव मी मुझे पता है। तुम्हें पता है कि उसने इक्विटी पार्टनरशिप्स बना लिए हैं, साउथ अमेरिका से मशीन्स आ रही हैं, 10 साल में अपनी खुद की चेन खोलना चाहता है। अच्छा कॉफी का सीन ही पता, उगाने का ऊन नहीं मालूम, मशीन्स मंगा लिए। ये देख रही हो, ये भूमि है, भूमि इसकी ना पूजा करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है, तब जाकर ये फल देती है, ऐसे ही नहीं, समझे? क्या कह रहे हो देव? मैं नहीं मिलता तो क्या करते तुम लोग? तुम लोग सही हो यार, जमीन की कदर है नहीं तुमको। कदर नहीं का क्या मतलब? मैं अपना काम कर रहा हूं ना, आई केम इन टू दिस लेट, फिर भी मेहनत कर रहा हूं तुम लोगों के लिए, और वो ही मेरी। तेरे ही क्या? मेरे पीछे पड़े हो तुम लोग, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है? ब्राउन ब्राउन, ये भी ब्राउन, ये भी ब्राउन, सब मर रहे हैं। Will somebody please explain to me, ये सब क्या हो रहा है? ज्यादा बारिश नहीं हैंडल कर पाते हैं समर, होता है। ये अच्छी बात है, तो अब क्या शामियाना लगवाओ इनके लिए? कोई कोई कमजोर होते हैं ना, सॉइलिंग की वजह से मॉइस्चर बराबर नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। ये बड़े बड़े वर्ड्स यूज करके हमें कंफ्यूज मत किया करो यार देव, कुछ भी हो सकता है का क्या मतलब है? तुम किस तरह के एक्सपर्ट हो यार? फाइंड आउट द डैम प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। श्रीनी तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा 40% जा सकते हैं, बाकी टिक जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 40% वो आधा होता है यार। चलो मैं कुछ करता हूं, मैं 15-20% तक ले आऊंगा, अगर यूनिवर्स ने मेरी मदद की तो। कोशिश करोगे ना? I mean, थोड़ा मैजिक दिखाओगे? वो तो यूनिवर्स के ऊपर है ना, मुझे जो आता है वो मैं करूंगा, बाकी देख। कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो देव, व्हाट्स किलिंग मी। बेबी सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं। गुड आइडिया, मैं शिनॉय को फोन करता हूँ, अगर वो शहर में है तो वो आकर इंस्पेक्ट कर जाएगा। फोटो चाहिए तुम्हारा? ओ टेक इट, कैमरा किधर है? होम स्टे में 3 दिन से ज्यादा रहने के लिए फोटो चाहिए होता है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, वरना वो लोग प्रॉब्लम करते हैं। माने पासपोर्ट, वोटर्स आईडी कुछ तो होगा ना तुम्हारे पास? अच्छा राशन कार्ड चलेगा? फोटो, फोटो आईडी। कैनो क्यों? होम स्टे रूल्स हैं हमारे। देव ने दिया? आई नो देव, मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। आई ऑल्सो नो देव अच्छे से। फोटो नहीं है ना तो नहीं रह सकती, 2 घंटे दे रही हूँ, सामान बांधो निकलो यहाँ से। जब देव बोलेगा तब जाऊंगी, तुम नहीं, ये तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं है। तुम्हारा है? देव का है। देव को बोलूंगी ना तुम फुल फोटो एल्बम दिखाएगी तो भी तुमको बाहर निकाल देगा तुम्हारे जोकर हस्बैंड के साथ, समझा? तुमको किसने कहा कि देव का प्रॉपर्टी है? ही ओनली, ये उसका पूरा फैमिली प्रॉपर्टी है ना, तो तुम सामान बांध लो, ठीक है? चे तो सब तुम्हारा फैमिली मैटर क्या है? बोला तो था कॉफी सोर्स करना है। वो बिजनेस है, फैमिली नहीं। यहाँ से क्यों? तुम्हारे हस्बैंड ने पूछा इसलिए। इसी प्लांटेशन से क्यों? बी देवानंद, बी मतलब बिदांदा, राइट? देव लुक एट मी, आई एम टॉकिंग टू यू। ये प्रॉपर्टी तुम्हारी फैमिली की थी, उनको इसको बेचना पड़ा और तुम यहाँ आए। फैमिली ने नहीं, मैंने बेचा बिना बताए। मुझे अफसोस है पर अब लीगली ये प्रॉपर्टी हमारी है। प्रॉपर्टी? ये सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, ये जहां तुम खड़ी हो ना यहाँ पर साइकिल चलाना सीखा है मैंने,
था मने जिसका तुम्हें मतलब भी नहीं मालूम ना, मेरी माँ का घर है, पहचान है मेरी। माँ को भेज नहीं पाया हूं मैं अभी तक। She died heartbroken because of me. तू मेरी राख में काटने के भी लायक नहीं है, ये कहा उन्होंने मुझे। चाहते क्या हो? बात करो उसे, बेच दो मुझे ये जमीन वापस चाहिए। बेच दो? बेच दो का क्या मतलब है? क्या बोरिया बस्तर पैक करके यहां से निकल जाए? Just like that? हाँ। नहीं कर सकती मैं। You know what this estate means to us, and you know how much. Loves coffee? हाँ। He does not think. उसे जानना भी नहीं है। बस magic चाहिए magic। तुम तो उससे भी बदतर हो। What? You think you're supporting his dream? हाँ? This is not his dream. आज ये नहीं चला, कल कोई और नया सनकी आइडिया, कोई नई मौज, है ना? तुम जाओ यहाँ से। नहीं तो? मुझे वास को बताना पड़ेगा। मुझे भी। What do you mean? हमारे बारे में? What? What? हमारे रोमांस के बारे में, उस होटल रूम के बारे में, उस रैट पॉइजन के बारे में जो लाई तुम और पिया से मैंने। I have nothing left to lose. तुम्हारा यकीन नहीं करेगा वो। He's mature enough to know that you and I, this was a long time back. Oh yeah, but the kiss was now. मेरे हिसाब से देखते हैं वास का क्या ओपिनियन है। वो मुझे माफ कर देगा शायद, शायद। पर फिर बेचारे ने लोन्स ले लिए हैं, इन्वेस्टमेंट्स डाल दिए हैं, मशीनें मंगा ली हैं। हाँ, धूम भी गुलाबी हो सकता है। बहुत स्ट्रेस में है बेचारा, नहीं? और ऊपर से ये किसका किस्सा, शायद माफ ना भी करे। कन्विंस करो उसे कि लैंड मुझे बेच दे। मुझे बेच रहे हो ये बताना या नहीं वो तुम्हारी मर्जी। लेट्स नॉट लेट गेट अग्ली। हाँ, बेबी ब्लूम को आना चाहिए यार। Really has to come. नहीं तो हमें अपने सारे रिटेल कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने पड़ेंगे। सारे मशीन्स को अपने सर पे रखकर लोन वालों से बचकर यहां से भागना पड़ेगा। What happened to you? क्या क्या मतलब? This careless ambition. I'll take that as a compliment. तुम्हें लगता है मुझमें ambition है? Careless ही सही। मेरी life बर्बाद करना चाहते हो? कोई बर्बादी नहीं हो रही है, ठीक है? It's just a change of hands. एक के हाथ से दूसरे के हाथ। I'm just taking back what's rightfully mine. तुम पहले वाले देव नहीं हो। ओह, तुम पहले वाले अनिका हो। पुलिस स्टेशन लेके गए थे मुझे, पूछ रहे थे कि किडनैपिंग का केस है नहीं। डैड ने मुझसे बात भी नहीं की थी, मुझे डायरेक्ट दुबई भेज दिया था। He was ashamed of me. मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया तुमने? मैं जिंदा हूं यार। प्रहलाद को फोन किया था मैंने, तुम्हें इसलिए नहीं कांटेक्ट किया क्योंकि सिर्फ तुम्हारी रियलिटी नहीं बदली थी, मेरी आंखों के सामने तुम बेहोश हो रहे थे। आई डिड नॉट टू डू, आई वाज यंग एंड आई वाज स्टूपिड। तो ठीक है ना, मैं पॉइजन लेके आई, तुमने पिया, मैंने नहीं पिया, ये सब उसी खाते में है ना। व्हाट 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 रबिश। Why do we even mix two issues? वो बेवकूफी थी, ठीक है, हम दोनों से। इसका उससे कुछ मतलब नहीं है।
You know, I was hoping तुम कहोगे, अनिका तुम poison लेके आईं, मैंने पिया तुमने नहीं पिया, मेरी life बर्बाद हो गई, तो this is payback. What? I understand revenge, but this is worse. क्यों खड़ी हो? मैडम को देखने आई. तुम क्या करते हो सोना, समझ में नहीं आता है. अम्मा का ऐश नहीं डाला, इनको झूठ बोला लैंड के बारे में, मुझको सच नहीं बोला अनिका के बारे में. ये ठीक है ना सोना? ये ठीक नहीं है. तुम मुझे लेक्चर दे रही हो? तुम क्यों नहीं, इसलिए क्या आई की आई कह रही हूं बाबू, सही क्या है मैं ये नहीं कह रही हूं, पर ये गलत है इतना तो जानती हूं. तुम सोना बाबू हो, मुझको हमेशा रिस्पेक्ट दिया. क्या कर रहे हो सोचो ना. बहुत बोला, अभी जाती हूँ. तो आप हैं यहाँ के चीफ कल्टीवेटर सन्यासी सर, आप ही से बात कर रहा हूं. हमने बात तो की है पर इंट्रोडक्शन नहीं हुआ. मैं हूं अन्नप्पा, एएसआई सिद्धनगर पुलिस स्टेशन. हाँ, वेकेशन, वोकेशन. पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, झाड़ियों में गन लेके गए थे मिस्टर पाणिकर, गोली चलने के बाद गन तुम्हारे हाथ में थी. सर कितनी बार बोला मैंने, लीवर जाम हुआ था, अपने आप चल गई, मिस फायर हुआ था. हाँ पर तुम्हारे हाथ में कैसे आया, गोली चलते हुए किसी ने नहीं देखा, तुम थे उनके साथ और गन तुम्हारे हाथ में पाया गया. सर आप चाहे तो मिस्टर पनेकर से पूछ लीजिए ना, वो बता देंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ. पूछूंगा जब उनको होश आएगी, तो पूछूंगा अगर उनको होश आई. तुम समझ नहीं रहे हो, पर यू आर इन ट्रबल माय फ्रेंड.
तो जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता तुम मेरे कस्टडी में ही रहोगे। मैं जेल जा रहा हूं। हाँ, अभी के लिए, इन्वेस्टिगेशन पूरा होने तक। अगर तुम बेकसूर हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर हम मंदिर में बैठेंगे, कर्मा, डेस्टिनी, ये वो सब पे तुम मुझे सवाल कर सकते हो। पर अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ किया है, गड़बड़ की है, तो गीता पढ़ के समझने के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम होगा। और एग्जाम का थैंक यू सर। अनिका 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 रुको, गाड़ी में बैठो। थैंक यू, मुझे वहां से निकालने के लिए ही। यू डिडंट हैव टू। आई डिड। पास को होश आते ही उसने स्टेटमेंट दे दिया था कि गन मिस फायर हुई, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। हम जा रहे हैं। पास से मैंने बात कर ली है। I pointed out all the omens and the signs to him. Uski kamzori ko use kiya, emotionally manipulate bhi kiya. Fir hum to coffee ka si bhi nahi jante. Dekhte hain uska agli sun ki idea kya hoga. Get a stamp of worthiness. तेरे लाइक बन जाने का प्रूफ, MOU है। एक महीने में फॉर्मेलिटीज पूरी करके हम यहाँ से निकल जाएंगे, दुबई चले जाएंगे। टेक इट। अनिका, यू सैबोटेज द ब्लूम। शिनॉय टोल्ड मी वी ट्रस्ट हर जगह पर, क्लिनिकली एडमिनिस्टर्ड, जो एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। अनिका, आई एम सॉरी। अम्मा का दिल तोड़ा मैंने, वो मेरी वजह से। मुझे एक मौका भी नहीं मिला कि मैं उनको। अम्मा आप खुश होगी। इट्स नॉट मा, इट्स यू। This is your need to get even with me. उस रात को उसके बाद जो भी हुआ, you blame me for it. तुमको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं किसी और के साथ हूँ, खुश हूँ. And then you tell me that I make issues.
हो सकता है वास को कॉफी के बारे में कुछ ना बताऊं, पर जो हम पे आंखें बंद करके भरोसा कर ले, उसको जहर पिला के उसकी जिंदगी बर्बाद कर देना, ओनली अ ट्रू लवर कैन डू इट. और वो हम दोनों ने किया. And I do think that he could have done differently. वस्तुओं की चाहत तुम्हें घेर लेती है तो आकर्षण जन्म लेता है, आकर्षण से इच्छा जन्म लेती है, और इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध, क्रोध से आता है विभ्रम, और विभ्रम से उस मूल्यवान ज्ञान का नाश हो जाता है जो अब तक बुद्ध ने पाया. ज्ञान के खोने से मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है, और जब मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है तो व्यक्ति का विनाश हो जाता है. लेकिन वो जिसका मस्तिष्क स्थिर है, वो चाहत की चीजों की दुनिया में बेफिक्र घूमता है कि क्या पसंद है क्या ना पसंद है. वो एक ऐसी दृष्टि प्राप्त कर लेता है कि कौन सा कदम सही होगा कौन सा गलत. सही नजरिया मिल जाने से अच्छा कुछ भी तो नहीं है. There is nothing more fascinating than clarity. Thank you.
Thank you.